ईरान और इसराइल पिछले कुछ दशकों से कट्टर दुश्मन रहे हैं। ईरान कहता है कि वह इसराइल को नक्शे से मिटा देना चाहता है और उसे नष्ट करने की धमकी दे रहा है। इसराइल अपनी ओर से ईरान को अपना सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी मानता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। दरअसल ईरान की 1979 की इस्लामी क्रांति तक इसराइल और ईरान सहयोगी थे। 1948 में अपनी स्थापना के बाद ईरान इसराइल को मान्यता देने वाले पहले राज्यों में से एक था। इसराइल ईरान को अरब राज्यों के खिलाफ सहयोगी मानता था। इस बीच ईरान ने क्षेत्र में अरब देशों के खिलाफ जवाबी कार्रवाई के रूप में अमेरिका समर्थित इसराइल का स्वागत किया। इस समय के दौरान इसराइल ने ईरानी कृषि विशेषज्ञों को प्रशिक्षित किया, तकनीकी जानकारी प्रदान की और ईरानी सशस्त्र बलों के निर्माण और प्रशिक्षण में मदद की। बदले में ईरान के शाह ने इसराइल को तेल के रूप में भुगतान किया, क्योंकि उसकी बढ़ती अर्थव्यवस्था को ईंधन की आवश्यकता थी। ईरान इसराइल के बाहर दूसरे सबसे बड़े यहूदी समुदाय का घर भी रहा है। फिर भी इस्लामी क्रांति के बाद कई यहूदियों ने देश छोड़ दिया। 20,000 से अधिक यहूदी आज भी ईरान में रहते हैं। ईरान में इस्लामी क्रांति के बाद आयतुल्लाह रूहुल्लाह खुमैनी और उनके धार्मिक क्रांतिकारियों ने इसराइल के साथ ईरान के सभी पिछले समझौतों को समाप्त कर दिया। खुमैनी ने फिलिस्तीनी क्षेत्रों पर इसराइल के कब्जे की कड़ी आलोचना की। ईरान की इजरायल विरोधी बयानबाजी धीरे धीरे और अधिक तीखी हो गई, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय अरब राज्यों या कम से कम उनके नागरिकों का समर्थन हासिल करना था, क्योंकि ईरानी शासन अपने क्षेत्रीय प्रभाव का विस्तार करने के लिए उत्सुक था। जब इजरायल ने 1982 में देश के गृह युद्ध में हस्तक्षेप करने के लिए दक्षिणी लेबनन में सेना भेजी, तो खुमैनी ने लेबनन की राजधानी बेरूत में स्थानीय शिया मिलिशिया का समर्थन करने के लिए ईरानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर को भेजा। हिजबुल्लाह मिलिशिया, जो इस समर्थन से विकसित हुआ, आज लेबनन में प्रत्यक्ष ईरानी प्रॉक्सी माना जाता है। ईरान के वर्तमान नेता और सभी मामलों पर अंतिम निर्णय लेने वाले आयतुल्लाह अली खामेनेई अपने पूर्ववर्तियों की तरह ही इसराइल के विरोधी हैं। खामेनेई और पूरे ईरानी नेतृत्व ने बार बार नरसंहार पर सवाल उठाया है। ईरान इसराइल पर हमले को हमास के मारे गए नेता इस्माइल हानिया और लेबनानी सैन्य संगठन हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह की हत्या का बदला बता रहा है। इस्माइल हानिया की इस साल जुलाई में तेहरान में उस समय हत्या कर दी गई थी, जब वह नवनिर्वाचित ईरानी राष्ट्रपति मसूद अल माविकियान के शपथ ग्रहण समारोह के बाद आधिकारिक गेस्ट हाउस पहुंचे थे। ईरान ने इस्माइल हनिये की हत्या को इजरायल की हरकत बताया। हालांकि इजरायल ने अभी तक इसकी पुष्टि या खंडन नहीं किया है कि हिजबुल्लाह नेता हसन नसरुल्लाह पिछले सप्ताह बेरूत में इजरायली हवाई हमले में मारा गया था। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराकची ने बुधवार को तेहरान में एक टीवी साक्षात्कार के दौरान कहा, हमने अमेरिका को संघर्ष में हस्तक्षेप न करने का संदेश भेजा है। अगर इजरायल के समर्थन में कोई तीसरा पक्ष हमारे खिलाफ काम करता है, किसी भी तरह के ऑपरेशन का हिस्सा बनता है, तो तेहरान की ओर से कड़ी प्रतिक्रिया होगी।